कैसे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के तीन ऐसे डिवाइस है फ्रेंड्स, नोकिया की तीन ऐसे डिवाइस है जिसमें जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है सितंबर की। जी हाँ, सितंबर 2019 की सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये तीन डिवाइस का नाम है नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस एंड नोकिया 7 प्लस। तो फ्रेंड्स, इस तीनों डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है, इसमें आपको क्या क्या अपडेट मिल रहा है इसके बारे में आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, बहुत ही कम टाइम में बताएंगे, ताकि आपके टाइम का वेस्ट ना हो एंड जो है बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए विजिट करें तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, देखिए उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोकिया की जो 6.1 है एंड नोकिया की 6.1 प्लस है एंड नोकिया की 7 प्लस है, तीनों डिवाइस की यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। आप अपने डिवाइस में जो है डेटा ऑन करके जो है आप चेक करिए, अपडेट जो है ओटा अपडेट के थ्रू दिया जा रहा है, ऑफिशियली जो है रिलीज कर दिया गया है अपडेट को। तो फ्रेंड्स, अपडेट अगर आपको नहीं मिला है ओटा अपडेट के थ्रू, आप जो है मैनुअली अपडेट चेक करिए, सेटिंग में जाके, अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें, अपडेट जो है आ गया है। अपडेट साइज क्या है फ्रेंड्स, तीनों डिवाइस के हिसाब से अलग अलग अपडेट साइज है। फ्रेंड्स, नोकिया 7 प्लस के जो अपडेट साइज है 90.6 MB, नोकिया 6.1 के जो अपडेट साइज है 90.7 MB एंड नोकिया 6.1 प्लस के जो अपडेट साइज है 68.6 MB। तो फ्रेंड्स, अपडेट में है ज़्यादा कुछ खास अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सिक्योरिटी पैच अपडेट है एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट में जो है अपडेट हमें मिलता है सिक्योरिटी पैच के साथ। ये अपडेट भी इस बार नहीं दिया गया है, सब कुछ ऑलरेडी पिछले बार अपडेट करके दे दिया गया था। अभी जो ओनली लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया गया है आपके डिवाइस को और भी सिक्योर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये तीनों डिवाइस की यूजर्स हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप अपने डिवाइस को अपडेट करें। अपडेट करने से पहले दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है। अपडेट करते समय डेटा कनेक्टिविटी जो स्पीड है काफ़ी अच्छा ना जरूरी है, 200 MB से ऊपर डेटा बैलेंस रखिए, ताकि अपडेट करते समय आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना ना पड़े। एंड फ्रेंड्स, अपडेट का जो टाइम है, आपको अपडेट बिल्कुल कंप्लीट होते ही आपको लगभग 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट टाइम लेके जो है आप अपने डिवाइस को अपडेट जरूर कर लेना। एंड फ्रेंड्स, अपडेट का जो स्क्रीनशॉट है मैं वीडियो की जो है साइट में मैं ऑलरेडी दिखा दिया, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो की साइट में जो आप देख रहे होंगे, ये जो है अपडेट का जो स्क्रीनशॉट है। तो फ्रेंड्स, आप अपडेट जरूर करना। एंड फ्रेंड्स, अपडेट करने से पहले अगर कुछ दिक्कत होता है तो फ्रेंड्स वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर आपकी जो है क्वेश्चन है जरूर कॉमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, कुछ जानकारी लेना है और कुछ वीडियो की जरूरत है तो फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करना, मैं आपकी आपकी जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वीडियो मैं आपको जरूर बना के दूंगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, आपकी फैमिली मेंबर के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोशल साइट में जरूर शेयर करना, ताकि सबको पता चले इस अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।